हुआ। मोहम्मद साहब अक्सर जब नमाज पढ़ने जाते थे तो जिस रास्ते का वो प्रयोग करते थे, वहां पर एक बूढ़ी महिला थी जो कि उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो बूढ़ी महिला क्या करती थी कि जब मोहम्मद साहब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे नहा धोकर वजू करके, तो वो ऊपर से अपने घर से उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। मोहम्मद साहब उसका कोई जवाब नहीं देते थे, रसूलुल्लाह इसका बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करते थे उस महिला को। ऐसा एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। ये महिला रोज इस तरह की हरकतें करती थी, लेकिन कभी मोहम्मद साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। एक रोज ऐसा हुआ कि ऊपर वो महिला नजर नहीं आई और उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो मोहम्मद साहब ने उसके घर जाकर उसका हाल चाल लिया कि भाई क्या हुआ, आज वो महिला नजर क्यों नहीं आई। तो पता चला कि वो खासी बीमार चल रही है। उसके बाद मोहम्मद साहब ने हकीम को बुलाया, उसका इलाज करवाया और उसके दवा दारू का इंतजाम करवाया। अब आप देखिए, ये मैसेज जो है देने की कोशिश की गई मोहम्मद साहब की तरफ से, और आज उन्हीं के मानने वाले कुछ लोग जो ये दावा करते हैं, मैं ये कहूंगा कि वो ये दावा करते हैं कि वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की जो सीख है उसको अमल में लाने के लिए अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो सिर्फ इस बात से कि मोहम्मद साहब के बारे में किसी ने आपत्तिजनक भाषा कर दी, तो आप लॉ ऑफ द लैंड को अपने हाथ में ले ले रहे हो, आप कानून को अपने हाथ